ये मेरे नाना जी हैं, इन्हें मोर देन 25 ईयर्स से डायबिटीज़ था। फिर मुझे डॉक्टर राघवन के बारे में पता चला कि वो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं। जब इनका इलाज डॉक्टर राघवन से हुआ तो जो जो प्रॉब्लम इनके साथ हो रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जैसे कि इनकी आवाज़ में सुधार आने लगा, इन्हें जिन चक्कर आते थे वो नहीं आ रहे हैं, आज ये अपने सारे काम खुद से कर पा रहे हैं, ये चल नहीं पाते थे आज ये बिल्कुल ही अच्छे से चल रहे हैं और फाइनली ये बिल्कुल ही हेल्दी हो चुके हैं और अभी अपने घर जा रहे हैं। इनके पैर में घाव भी था, बस वो भर गया था, पूरा बस भर गया था, लेकिन ये घाव जब मैंने डॉक्टर राघवन से दिखवाया तो इन बस मैक्सिमम 10 डेज लगे, 10 दिन के अंदर इनका घाव पूरी तरीके से ठीक हो गया और अब ये बिल्कुल ही ठीक से नॉर्मल से चल पा रहे हैं। इनको कई तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जैसे कि इनकी मुँह की आवाज़ चली जाती थी, ये अनसंट बोलते रहते थे, पूरा दिन ही बोलते रहते थे, चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, अपना काम खुद से नहीं कर पाते थे। तो फिर मुझे किसी ने डॉक्टर राघवन के बारे में बताया और मैंने इन्हें डॉक्टर राघवन से ट्रीटमेंट करवाया और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। इनका ब्लड शुगर मैक्सिमम 491 तक गया और अभी बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो मैं डॉक्टर राघवन के ट्रीटमेंट से बहुत खुश हूँ और मैं बाकी आप सभी लोगों को ये प्रीफर करती हूँ कि अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है तो आप प्लीज़ डॉक्टर राघवन से कंसल्ट करें, आपके रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। राघवन से हमने यहाँ इलाज कराया, पेशेंस के साथ हमने इनका सब बात मानते हुए आज 12वां दिन कंप्लीट हो रहा है, 15वां दिन कंप्लीट हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर रहता था, हाई शुगर रहता था, हाई शुगर लेवल रहता था 704। डॉक्टर राघवन के इलाज से आपको कैसा महसूस हो रहा है? जस्ट कहते हैं हंड लगता है कि जब डायबिटीज छूट गया हमारा बस। और अभी आप इंसुलिन नहीं लेते हैं? इंसुलिन नहीं लेते बिल्कुल नहीं।